मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। नमस्कार, कविता इज हेयर चैनल की इस न्यू वीडियो में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज इस कंटेंट के माध्यम से मैं फोर्थ कमिंग 73rd इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन के उपलक्ष्य में और कोरोना पेंडेमिक के निवारण के रोकथाम हेतु सरकारी प्रयासों के अंतर्गत भारतीय जनता के लिए एक एंटरटेनमेंट फुल कॉन्टेस्ट अपॉर्चुनिटी लेकर आई हूँ, जिसमें पार्टिसिपेशन करके एक और जहां हम अपनी क्रिएटिविटी को इनहेंस कर सकते हैं, वहीं दूसरी ओर गवर्नमेंट इनिशिएटिव में भी अपना सक्रिय नैतिक सहयोग भी दे सकते हैं। तो चलिए, क्या है इसके रिगार्डिंग डिटेल जान लेते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया गया है, जिस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होगा। ओके, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया माई गवर्नमेंट की साइट है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जिस कंपटीशन की बात कर रहे थे, नीति आयोग की तरफ से है, गवर्नमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से। रिक्रिएट द मास्क, द मास्क नहीं तो टोकेंगे, जिंगल इन वीडियो और ऑडियो फॉर्मेट। नेक्स्ट वन, लास्ट डेट August 14, 2020 एंड टाइमिंग 11:45। लॉग इन टू पार्टिसिपेट। जैसे ही हम लॉग इन टू पार्टिसिपेट करेंगे, माय गवर्नमेंट का ऐसा वेब पेज हमारे सामने आएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं ईमेल, मोबाइल या पासवर्ड है। तो आप अगर ईमेल से करेंगे तो पासवर्ड अपना एंटर करेंगे, अगर मोबाइल करेंगे तो आपका उसमें ओटीपी नंबर आएगा, जिससे आप इस क्विज में कनेक्टेड हो सकते हैं। तो चलिए हम रिवर्स चलते हैं। आप देख सकते हैं कि हम वापस से उसी फर्स्ट पेज पर आ चुके हैं, माय गवर्नमेंट का जो पेज है। नेक्स्ट वन, इसमें आप यहाँ पे देखेंगे सी डिटेल राइट हैंड साइड, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं कि इसी की रिगार्डिंग डिटेल जो है वो हमारे सामने निकल कर आ गई है। मैं इसको नहीं पढ़ूंगी, अगर पढ़ूंगी तो वीडियो लेंथी होगा, इसलिए मैं इसको आपको अपने शब्दों में बताने का प्रयास करती हूँ कि ये एक क्रिएटिव चैलेंज है, जिसमें आपको क्या करना है कि जिंगल को रिक्रिएट करना है। और किसके लिए है? सभी इंडियन सिटीजन्स के लिए, कि माय गवर्नमेंट आपसे इस लेटेस्ट कंपटीशन में एक्टिविटली पार्टिसिपेशन के लिए आमंत्रित कर रही है। इंडिया फाइट्स कोरोना पैंडमिक सिचुएशन के तहत सामान्य जन स्थिति प्राप्ति हेतु मार्गदर्शन की एक व्यवस्था है। यहाँ आप के लिए रिक्रिएट करने, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे नामक जिंगल बेल को रिक्रिएट करना है और उसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रेजेंट करना है। तो आप जिंगल तो जानते ही हैं, जिंगल क्या होता है? एड सॉन्ग्स होते हैं, विज्ञापन के छोटे गीत होते हैं जो हमें बहुत अट्रैक्ट करते हैं। तो आपको इसी जिंगल को रिक्रिएट करना है। तो इसके लिए रिक्रिएट करने का कैसे क्या प्रोसेस है वो भी जान लेते हैं। नेक्स्ट वन आपकी देख सकते हैं, प्रोसेस ऑफ सबमिशन। तो फर्स्ट वन है रिक्रिएट मार्क्स नहीं तो टोकेंगे, जिंगल इन ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट। तो ये जिंगल आपको ऑडियो और या वीडियो फॉर्मेट में रिक्रिएट करना है, दैट्स मीन दोबारा से अपने हिसाब से इसको मैनेज करना है, बनाना है। नेक्स्ट है रिकॉर्ड से डांस वीडियो, एनिमेटेड वीडियो और ए वीडियो ऑफ प्लेइंग द जिंगल ऑन माई इंस्ट्रूमेंट, ऑन एनी इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो इसको डांस वीडियो फॉर्म में भी आप कर सकते हैं, एनिमेटेड वीडियो के फॉर्म में भी कर सकते हैं, या जिंगल के प्लेइंग के वीडियो फॉर्म में भी कर सकते हैं, या इंस्ट्रूमेंटल के साथ भी इस जिंगल को एज ए प्लेइंग वीडियो के फॉर्म में क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, रिक्रिएट इट रिकॉर्डेड, इसको रिक्रिएट करना है फिर इसको रिकॉर्ड करना है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपलोड इट ऑन यूट्यूब। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ बताया कि यूट्यूब पर आपको इसको क्या कहते हैं अपलोड करना है। क्यों अपलोड करना है? क्योंकि यूट्यूब जो वीडियो का लिंक जो है आपको यहाँ पे डिस्कशन फॉर्म में शेयर करना है। ओके, तो कोई आपको यूट्यूब क्रिएटर परमानेंट नहीं बनना है, सिर्फ ये इसी के रिगार्डिंग एक प्रोसेस का एक जस्ट पार्ट है। अभी डिस्कशन फॉर्म क्या होता है, डिस्कशन फॉर्म को हम लास्ट में आइडेंटिफाई मैं करती हूँ, मैं लास्ट में उसको जानते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका कि इसमें बता रखा है कि प्लीज फाइंड द, इसमें है कि ये 11 लैंग्वेजेस में है। इसमें कुछ ऑडियो क्लिप्स हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि कुछ ऑडियो क्लिप्स भी यहाँ पर शो हो रही हैं, जो ऑलरेडी ऑडियो फॉर्म में यहाँ पे सबमिटेड है। ओके, नेक्स्ट है आपका टॉपिक, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ओके, नेक्स्ट है लास्ट डेट 14th ऑफ अगस्त 2020।
Most important gratification top 25 entries will be featured on my government social media platform. Wow. Okay. तो प्लीज इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना होने दीजिएगा. चलिए लास्ट ऑफ ऑल अब हम डिस्कशन फॉर्म की बात कर लेते हैं. तो जैसा कि आप कोई वीडियो देखते हैं उसके नीचे जो कमेंट सेक्शन होता है सेम एज इज इट ये ऐसा है. ऑलरेडी आप देख रहे हैं 2536 जो है सबमिशंस हो चुके हैं. आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या जब आप साइट पे विजिट करेंगे तो आपको सब दिख जाएगा. ओके चलिए अब हम बात करते हैं कि इस डिस्कशन फॉर्म में आप डायरेक्ट कमेंट नहीं कर सकते हैं. इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि फर्स्ट वन जहाँ लॉग इन टू पार्टिसिपेट था वहाँ पे आपको जाके पहले क्या कहते हैं लॉग इन टू पार्टिसिपेट करना होगा और उसी के थ्रू आप इस डिस्कशन फॉर्म में अपना ऑडियो फॉर्म अपना वीडियो फॉर्म एनिमेटेड वीडियो जो भी आपने रिक्रिएट किया है उसका लिंक और या उसको डायरेक्ट आप वर्ड्स में या फीचर्स में या वीडियो फॉर्म में एनीवन किसी भी फॉर्म में आप इसको यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं. और अगर आप सबमिशन करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि कल के लिए आपको इसके थ्रू बहुत अच्छा ग्रेट चांस मिल सकता है. ओके तो चलिए आज के लिए बस इतना ही. आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल लगा होगा ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा. तो प्लीज़ अपना कमेंट जो है फीडबैक के रूप में ज़रूर बताएँ.